वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं दिखाना प्रॉपर्टी, ये बेसिकली सेक्टर 23 में साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी। ये इसका हो गया फ्रंट एलिवेशन और इसमें चारों फ्लोर मिल जाएगा। ये इसका हो गया रैम्प एरिया, फर्स्ट क्लास से। प्राइस के प्लीज़ चेकआउट दी डिस्क्रिप्शन। और ये इसका हो गया फ्रंट एलिवेशन, देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है, जो कि आप देख सकते हो। ये 30x60 इसका डायमेंशन है प्लॉट का। और मूविंग ऑन टू दी स्टिल पार्किंग, हो गया इसका पार्किंग एरिया। यहाँ पे सारे में गेट्स का काम, गेट लगी हुई है। और इस तरफ मोटर, शायद ये पानी का मीटर का यहाँ दिया हुआ कनेक्शन। और ये पार्किंग हो गया, सारे में काम करा गया है मार्बल का, जो कि आप देख सकते हो। और इस तरफ भी आपको ये इसका हो गया, यहाँ पे वाटर टैंक दिया हुआ है, 2500 लीटर का स्टोरेज टैंक है। 1, 2, 3, 4 बना हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। इसका पार्किंग एरिया हो गया फर्स्ट क्लास। और यहाँ सारे मोटर्स का यहाँ दिया हुआ है पॉइंट गेट का। इसके अंदर आपको लिफ्ट लॉबी है, हो गया स्टेयर केस, जो कि आप देख सकते हो। फेस चेंजर सारा यहाँ पे दिया हुआ है। और ये डोर का डिज़ाइन हो गया, जो कि देखने में काफ़ी एलिगेंट सा लग रहा है। और यहाँ पे इस तरफ यहाँ लिफ्ट का प्रोविज़न दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। लिफ्ट का प्रोविज़न यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे ग्लास लग जाएगी फर्स्ट क्लास। और ये स्टेयर केस है ऊपर जाने के लिए। एसएस की रेलिंग दी हुई है, फेस चेंजर यहाँ दिया गया है, काम करा गया है इस मार्बल का। और ये हो गया मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया। टॉप तक नहीं आएगी, फोर्थ फ्लोर तक ही लिफ्ट आएगा। स्टेयर केस है, देख लीजिए आप। एसएस की रेलिंग लगी हुई है इसमें। छत हो गया, माउंटी पे 1000 लीटर का सिंटेक्स आएगा पर फ्लोर, चार वहाँ दिया हुआ है। ये सॉफ्ट एरिया है, टाइल्स का काम किया गया फ्लोरिंग में। और यहाँ से लैडर भी दी हुई सीढ़ी ऊपर जाने के लिए। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, यहाँ पे गेट लग जाएगा। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, ये लिफ्ट का अपर पोर्शन यहाँ पे आएगी, काम करा के मार्बल का फ्लोरिंग में सारे में। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, गाइस हेलो, गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 204 गज का प्लॉट साइज है, चार और फ्लोर से मिल जाएगा। 204 स्क्वायर प्लॉट साइज है। और ये साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी, जो फ्लैट मेंट्री करते हैं वो ईस्ट फेसिंग है। ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, किचन हो गया, फर्स्ट बेडरूम, अटैच वॉशरूम, यहाँ मिरर का भी काम करा, टच से ये मिरर जल जाती है। फर्स्ट क्लास इन्होंने डिज़ाइन दिया हुआ है। और ये सेकंड बेडरूम अटैच वॉशरूम, थर्ड बेडरूम अटैच वॉशरूम, टीवी का पैनल हर एक रूम्स में मिल रहा है आपको। ये डोर का डिज़ाइन हो गया, जो कि आप देख सकते हो, फर्स्ट क्लास है। इस प्रॉपर्टी के जस्ट सामने लिफ्ट नहीं है, इस तरफ लिफ्ट दी हुई है, ब्रांडेड लिफ्ट है। ये स्टेयर केस है, और बंद करता हूँ मैं। और यूरोपा ब्रांड की ये दी हुई है लॉक। और यहाँ पे कंसोल भी बना हुआ है, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन सा है। लेआउट आप समझ लीजिए, 1300 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये फर्स्ट, ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है। फ्लोरिंग की बात करूँ मैं, इसमें काम करा गया है टाइल्स का। और सीलिंग में ओडन सीलिंग भी की गई है, लाइट्स का काम किया गया है। और जितने भी हैं सारे स्विचे, सारे एंकर ब्रांड के स्विच दिए हुए हैं। एसी का प्रोविज़न यहाँ दिया हुआ है। और इस तरफ देख सकते हो आप, यहाँ पे टीवी पैनल का भी प्रोविज़न मिल रहा है आपको। ये ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, ये बालकनी हो गई, यहाँ टाक प्रोविज़न दिया हुआ है। आउटर के लिए सारे प्रोविज़न यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो ये। और यहाँ पे मूविंग ऑन टू द किचन एरिया, अगर मैं किचन की बात करूँ फ्रेंड्स, इसमें भी काम करा गया है टाइल्स का, जो कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, देखने में काफ़ी एलिगेंट सा लग रहा है ये डिज़ाइन इसका, किचन का। और प्लेटफॉर्म पे सारे में काम करा गया है मार्बल का। एंकर की स्विच है, इस तरफ फ्रिज आ जाएगा। ओवन के लिए यहाँ प्रोविज़न दिया है, टैप के प्रोविज़न देख सकते हो आप। सोमानिंग की टैप लगी हुई है, ड्यूल सिंक के साथ ही मिल रहा है। इस तरफ आपका UPVC की विंडो मिल रही है, यहाँ से चिमनी आएगी, हॉब यहाँ आएगा, स्टोव यहाँ आएगी। और मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ स्टोरेज का, सारे सॉफ्ट फ्लोर है ये, जितने भी हैं आपको देख सकते हो आप। ये परफेक्टली, ये आपको किचन का सारा ये फिटिंग, सारे सॉफ्ट फ्लोर है ये। तो ये किचन हो गया, किचन आपने देख लिया, फर्स्ट क्लास डिज़ाइन लेआउट के साथ ही मिल रहा है आपको। ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया। अगर बात करें फ्लोरिंग की, तो इसमें काम करा गया टाइल्स का। UPVC के साइड डोर्स मिल रहे हैं, दो मैच डोर, एक ग्लास डोर।
फॉल्सिंग का भी काम किया गया है, क्रोमटन के फैन मिल रहे हैं, एंकर के स्विच है इसमें आपको, और यहाँ टी पैनल का भी प्रोविजन मिल रहा है जो कि आप देख सकते हो, एसी का प्रोविजन यहाँ दिया हुआ है, इस तरफ स्लाइडर वार्डरोब मिल रही है इसमें आपको, दो ड्रॉर्स मिल रहे हैं इसमें, सारे सॉफ्ट क्लोज है ये, इससे अटैच है फ्रेंड्स आपको वॉशरूम है। वॉशरूम की बात करूँ मैं तो देख सकते हो आप सारे में फिटिंग, सारे टैप के फिटिंग सारे जैगवार के दिए हुए इसमें, फर्स्ट क्लास है ये बाथरूम, ये आपने देख लिया, यहाँ पे टच ग्लास, नीचे वैनिटी, ये आपका कमोड, इधर शावर है, टैप के फिटिंग सारे जैगवार ब्रांड के दिए हुए हैं। मूविंग ऑन टू दी, ये आपने देख लिया है, ये इसका यहाँ पे डाइनिंग टेबल यहाँ पे आ जाएगी, इस तरफ ड्राइंग रूम हो गया, दिखाई दिया मैंने आपको ये, अब ये देख लो लुक एंड फील, यहाँ से फॉल्सिंग का भी काम हुआ हुआ है, इस तरफ इन्होंने पीओपी वर्क करा है जो कि इसके लुक्स को काफ़ी एनहांस कर रहा है फ्रेंड्स, और यहाँ मैंने आपको दिखाई दिया है, काफ़ी बेहतरीन सा लुक है इसका, एसी का प्रोविजन भी दिया हुआ है, क्रोमटन के सारे फैन दिए हुए यहाँ पे जो कि आप देख पा रहे होगे, और यहाँ टीवी पैनल है, उधर कंसोल बनी हुई है। मूविंग ऑन टू द सेकंड बेडरूम, फ्लोरिंग की बात करूँ तो उसमें काम करा गया टाइल्स का, फॉल्सिंग की भी काम हुई हुई है, यहाँ इस तरह वॉलपेपर आ जाएगा, यहाँ पे टीवी पैनल का भी प्रोविजन दिया हुआ है, यहाँ वार्डरोब मिल रही है इसमें आपको, एसी का भी प्रोविजन इसमें दिया हुआ है, दिखा देता हूँ मैं आपको, एसी टी पैनल के ऊपर लग जाएगा, यहाँ आपको ड्रॉर्स मिल रहे हैं फर्स्ट क्लास, सारे सॉफ्ट क्लोज है ये जो कि आप देख सकते हो ये, और इसे अटैच ही वॉशरूम हो गया। फिटिंग्स की बात करूँ, टैप की फिटिंग्स तो सारे जैगवार की फिटिंग्स रहेंगे इसमें, भी टच ग्लास आपको मिल रहा है ये, और ये सारे फिटिंग्स हैं जैगवार के, और टाइल्स का काम, ग्रे कलर की टाइल्स लगी हुई इसमें वॉल में, और लाइट ग्रे कलर की फ्लोरिंग में भी टाइल्स लगी हुई है, वैनिटी है, कमोड है, और इस तरफ शावर आएगा, शावर इस तरफ दिया हुआ है फर्स्ट क्लास, जैगवार की सारी फिटिंग्स रहेंगे। मूविंग ऑन टू द बैक साइड बालकनी, यूपीवीसी की इसमें आपको सारी डोर्स मिल रहे हैं फर्स्ट क्लास, ये आप देख सकते हो ये बालकनी हो गई, और यहाँ पे आउटलेट के लिए भी सारे प्रोविजन दिए हुए हैं, यहाँ टैप दिया हुआ है, और ये पीछे का स्पेस हो गया। मूविंग ऑन टू द थर्ड बेडरूम, अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की तो ये मास्टर बेडरूम बेसिकली, इसमें भी फ्लोरिंग में टाइल्स का काम किया गया जो कि आप देख पा रहे हो कि फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, इस तरफ वॉलपेपर आ जाएगी, यहाँ एसी का प्रोविजन दिया है, यूपीवीसी की स्लाइड डोर्स मिल रहे हैं, सेकेंड एंड थर्ड बेडरूम पीछे की बालकनी से हो रहा है कनेक्ट, और यहाँ टी पैनल का भी प्रोविजन दिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको, सेकेंड बेडरूम से दिखाया था मैंने आपको, बालकनी से भी देख लो, ये बालकनी हो गई, और यहाँ पे इस तरफ वार्डरोब दिया हुआ है, वार्डरोब भी आप देख पा रहे होगे, फर्स्ट क्लास वार्डरोब है ये, और जितने भी हैं सारे सॉफ्ट क्लोज रहेगा ये, दो ड्रॉर्स में मिल रहा है आपको, और यहाँ ये इससे अटैच वॉशरूम हो गया। फिटिंग्स की बात करूँ फ्रेंड्स तो सारे में ही जैगवार का फिटिंग्स रहेगा टैप में, और ये आप देख सकते हो टाइल्स का काम किया गया वॉल में, टच मिरर भी लगी हुई है, फर्स्ट क्लास है ये, तो अच्छा लगा। जितने भी डोर्स हैं इसमें फ्रेंड्स, सारे डोर शट के सारे लॉक दिए हुए हैं जो कि आप देख पा रहे होगे, ये डोर का डिज़ाइन हो गया, प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है, अच्छी बनी हुई है, और ये इसका लुक एंड फील है, डिज़ाइन काफ़ी एलिगेंट सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स, यहाँ पी ओ पी वर्क भी हुई हुई है जो कि आप देख सकते हो। ये अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स। यहाँ पे कंसोल है, कंसोल में आप देख सकते हो यहाँ पे भी ड्रॉर्स मिले हुए हैं, स्टोरेज के लिए एम्पल स्पेस दिया हुआ है, यहाँ भी सारे दो सारे सॉफ्ट क्लोज हैं। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। यहाँ इस तरफ बीनियर लगी हुई है किचन के इसमें चौखट में। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। यहाँ पे टच ग्लास भी दी हुई है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है फ्रेंड्स। ये घुसते ही आपको यहाँ पे एक अच्छा फील आएगा कि आप जैसे इंटर करें, आप यहाँ पे अच्छा एक पीओपी का अच्छा थीम दिया हुआ है, यहाँ टच ग्लास भी लगी हुई है, और एसी इस तरफ आएगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर। प्लीज़ चेक आउट दी डिस्क्रिप्शन फॉर प्राइस एंड ऑल। बाय।